संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और नाद नर्तन संस्थान की ओर से जयपुर में म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित की जा रही है। प्रोफेसर रवि शर्मा ने बताया कि इस सेमिनार में 150 शोधकर्ता और विद्वान भाग ले रहे हैं। और विकसित रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है जब आके शायद सारी बात इस वर्ष का विषय है म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी और इसका मूल उद्देश्य यह है कि आप देख ही रहे हैं कि विशेषकर कोरोना पीरियड में भी और उससे कुछ वर्ष पहले और अब देखेंगे तो हमारे यहाँ संगीत में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है। तो जो समावेश हो गया वो उसके हमारे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के, उससे क्या लाभ हो रहे हैं और क्या नुकसान भी हो रहे हैं, इसके लिए हमने ये सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया होगा। इसमें जो म्यूज़िक एंड टेक्नोलॉजी है वो आज एक बहुत ही जो है ज्वलंत विषय है एक तरह से, मैं मानती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक को प्रमोट करने में जितना मीडिया ने काम किया है या टेक्नोलॉजी ने काम किया है वैसी क्रांति पहले कभी नहीं देखी गई है। ये एक तरह से क्रांति ही है, अधिकांश युवा है इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए एक मोटिवेशन का भी काम होगा इस सेमिनार के द्वारा। लगभग 150 शोधार्थियों ने भाग लिया है और विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस सेमिनार में अलग अलग टॉपिक को लेकर, संगीत को लेकर अलग अलग टॉपिक को लेकर चर्चाएं हुई हैं, शोध पत्र वाचन हुआ है जिसमें सभी को इस शोध पत्र वाचन से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो शोधार्थियों को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा।